now बेटा we have to do the endomembranous system. So actually endomembranous system meaning क्या हुआ? देखो मैं आपको हरदम बताती हूँ, बायोलॉजी में कोई भी वर्ड होता है उसका कहीं ना कहीं मीनिंग होता है. यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का क्या मीनिंग है? हम लोग कहते हैं कि एक सेल ऑर्गेनल जो सबको नाम पता है, एंड वो सेल ऑर्गेनल होता है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इस सेल ऑर्गेनल का नाम सबको पता है क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ रखा है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो से ये वर्ड, एंडो वर्ड किससे डिराइव करा इन्होंने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और मेम्ब्रेनस मतलब कि जो एंडोप्लाज्म की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ में या उससे रिलेटेड, या हम सिंपली कहें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, यानी ऑल दो सेल ऑर्गेनल्स हुज फंक्शन आर कनेक्टेड, है ना, कनेक्टेड रहते किसके साथ, फंक्शंस आर कनेक्टेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कंसीडर एज द पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम. उसको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट कंसीडर करते हैं. अब सिंपली इसके अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स आते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो है ही, होल सोल. इसके अलावा गॉल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वेक्यूल. ये चार सेल ऑर्गेनल्स, ऑल दिस फोर सेल ऑर्गेनल्स टुगेदर फॉर्म द एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शन आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. अब एक बार मैं इसको बिगनिंग में एक्सप्लेन करूंगी और नेक्स्ट टाइम मैं जब ये चारों सेल ऑर्गेनल का स्ट्रक्चर और फंक्शन हम कर लेंगे उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी. तो पहले मैं आपको सिंपली बताती हूँ बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन एंड लिपिड. लिपिड का सिंथेसिस और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. गोल्जी बॉडीज एक तरह से पैकर्स एंड मूवर्स का काम करते हैं. पैकर्स और मूवर्स का मतलब होता है जो पैकेजिंग करके, और उसको जैसे अगर मुझे घर शिफ्ट करना है तो मैं पैकर्स एंड मूवर्स को बुलाऊंगी तो वो मेरे सारे सामान को पैक कर देंगे, पैक करके सेकंड घर में शिफ्ट कर देंगे जहां पे मुझे लेना. तो यहाँ पे भी मैंने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करती है प्रोटीन और लिपिड. उस प्रोटीन और लिपिड को सेल के अंदर की कहाँ भेजना है या कहीं दूसरी सेल में भेजना है, तो उसको पैक करने का काम कौन करेगा बेटा? गॉल्जी बॉडी. ओके, नेक्स्ट आता है लाइसोसोम. 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा लाइसोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल. इसको सुसाइड बैग कहते हैं सेल का. सुसाइड, साइड का मतलब होता है किल और स्यू का मीनिंग होता है सेल, अपने आप को किल करना. तो यहाँ पे ये सेल का सुसाइड बैग है, यानी सेल जब ओल्ड हो जाती है, वॉर्न आउट हो जाती है, वॉर्न आउट यानी बिल्कुल टूटने के कगार पे हो जाती है या काम करना बंद कर देती है, तो उसके अंदर का लाइसोसोम रप्चर हो जाता है और वो लाइसोसोम एंजाइम रिलीज करता है जिससे सेल के अंदर का सारे सामान को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है. सिंपल सी चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यानी कुछ हिस्सा जो है सेल का वो वापस से रीयूटिलाइज हो जाता है. इट इज सिमिलर लाइक दैट कि अगर आपके घर में सपोज कोई सामान है और वो ऑलमोस्ट टूट सा गया, टूट गया सपोज, तो हम उसको एज इट इज डस्टबिन में नहीं डाल देते, हम कबाड़ी वाले को बुलाते हैं और कबाड़ी वाले को दे देते हैं, है ना. तो कबाड़ी वाला उसके कुछ ना कुछ पैसे दे के चला जाता है, यानी कि हमने उस सामान को टूटे फूटे का भी हमने कुछ मनी अर्न कर लिया जिससे हमें नई चीज खरीदनी है तो हम उसमें यूज कर लेते हैं. आपने देखा होगा आजकल, तो खैर मुझे नहीं लगता क्योंकि मैं कभी आज तक नहीं गई हूँ मार्केट में इस चीज के लिए, लेकिन मैंने अपनी माँ, मम्मी को और अपनी माँ को, अपनी माँ मतलब मेरी दादी को, मैंने देखा है कि जब पहले जमाने में बेटा लोग पीतल के बर्तन यूज करते थे तो वो उसको इतना घिस घिस के मांजते थे ना, सफाई करते थे कि वो पीतल के बर्तन घिस जाते थे. तो
तो वो क्या होते थे जब पुराने हो जाते थे या टेढ़े मेढ़े हो जाते थे, मम्मियों को पहले गुस्सा आता था तो देखे भी तो मारती थी ना, एकदम मस्त स्टाइल से गिलास मार दिया। वो तो हमारी अपनी वो होती थी कि हम उन्हें किस तरह से बच जाओ, है ना, ये हमारी ट्रिक थी और वो फेंक के मारने वाली मम्मी की ट्रिक थी। तो खैर यहाँ पे बात आती है कि जब वो उन बर्तनों को दुकानदार को दियाती थी और दुकानदार उसकी जगह जितने का वो जाता था उसकी जगह जब नया बर्तन खरीदते थे तो दे गिव दैट मनी। सेम थिंग हमारी सेल इस लाइसोसोम के थ्रू पर, कि जब सेल पुरानी हो गई, डेड होने वाली है या डेड हुई नहीं है, डेड होने वाली है, तो लाइसोसोम रप्चर हो जाएगा। सेल के जो भी कॉम्पोनेंट है यानी उसमें जो भी प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा। डाइजेस्ट करके उसको शुगर में, फैटी एसिड और अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे हमारे स्टमक में होता है, और फिर वो ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड दूसरी सेल्स में चले जाएंगे फॉर द ग्रोथ पर्पस, यानी कि उसका हम कहते हैं रीयूटिलाइजेशन। वो कौन करेगा बेटा? लाइसोसोम। लास्ट होता है वैक्यूल। ये हमें पता है कि प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है, एनिमल सेल में बहुत स्मॉल साइज का होता है, बट स्टिल वैक्यूल आर देयर। तो कहने का मीनिंग ये है कि ऑल दीज फोर सेल्स यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही गोल्जी बॉडी बनती है, कनेक्टेड रहती है ये इससे, गोल्जी बॉडी से ही लाइसोसोम फॉर्म होते हैं, गोल्जी बॉडी से ही वैक्यूल फॉर्म। तो कहने का मीनिंग है कि ऑल दीज फोर सेल ऑर्गेनल आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर एंड देयर फंक्शन इज कनेक्टेड विथ ईच अदर, सो दे आर कॉल्ड एज द पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। नेक्स्ट जो आता है हम लोगों का, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स देन आई विल डिक्टेट, ओके बेटा। तो सबसे फर्स्ट जो हम सेल ऑर्गेनल लेते हैं एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम का, ये मोस्टली क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट इज एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, गिव एग्जांपल, या ऑप्शन एमसीक्यूज में आ जाता है कि एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम जो होते हैं उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनल इंक्लूड होते हैं, या कौन सा सेल ऑर्गेनल एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट नहीं है। हम फर्स्ट सेल ऑर्गेनल कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मीनिंग है, या सॉरी ये सेल ऑर्गेनल कहाँ प्रेजेंट होता है? जब भी हम किसी भी सेल ऑर्गेनल की बात करेंगे इसकी मोस्टली लोकेशन, स्ट्रक्चर और कितने मेम्ब्रेन बाउंडेड है, यानी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, डबल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड है, या विदाउट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में इसमें ये लिख सकती हूँ कि इट इज बाउंडेड बाय यूनिट मेम्ब्रेन। अभी लिखना नहीं है, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ बच्चे। ये यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड है, यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि सिंगल मेम्ब्रेन। सेकेंड थिंग, अगर मैं एक सेल बनाती हूँ और इसके अंदर मैंने एक न्यूक्लियस ड्रॉ करा, तो एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन कनेक्शन विद द न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का न्यूक्लियस के साथ कनेक्शन रहता है। ये देखो मैंने हल्का सा कनेक्शन बनाया है न्यूक्लियस के साथ, और ये इस तरह से ये हो गया। दूसरा मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये कनेक्शन हुआ, किसी भी शेप में जा सकता है बेटा, कोई ऐसा नहीं है। कि कितनी होनी चाहिए या कितना नहीं होना चाहिए, ये कनेक्शन हो गया। नेक्स्ट मैं यहाँ बना दूँ, तो सिंपली इससे एक चीज क्या पता चला बेटा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लोकेशन कहाँ है, सराउंडिंग द न्यूक्लियस। दिस डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ साइमल्टेनियसली, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में है। सेकेंड चीज अपन को क्या पता चली बेटा,
सेकंड थिंग हमको ये पता चला कि एक तरफ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिमेन कनेक्टेड विद द न्यूक्लियस एंड एट द अनदर साइड इट इज कनेक्टेड विद द सेल, और अगर ये सेल किसी दूसरे सेल के साथ में कनेक्टेड है तो ये इसका इसके साथ में क्या हो जाएगा बेटा, कनेक्शन हो जाएगा। ओके क्या हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से भी कनेक्ट हो सकती है एंड एट द एंड ऑफ द सेल सो दैट इट कैन कम्युनिकेट, इट कैन कम्युनिकेट, कम्युनिकेट यानी बातचीत कर सकती है, यानी एक्सचेंज कर सकती है अपने मटेरियल का, कम्युनिकेट विद द अनदर सेल, दूसरे सेल के साथ। अब बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरह से इस साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। देखो एक वो वाला पार्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला हिस्सा है ना, रेटिकुलम के अंदर वाला हिस्सा कौन सा है बच्चे, मैं इसको थोड़ा डार्क शेड से करके दिखा देती हूँ, आपको डार्क शेड करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ये वाला हिस्सा जो है विच इज इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर रहते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनल पार्ट। ये पार्ट क्या कहलाता है, ल्यूमिनल पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बायो में कहीं पे भी वर्ड ल्यूमन आता है अगर, तो ल्यूमन का मतलब होता है कि कोई भी ट्यूब है उसके अंदर का स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ल्यूमन, यानी जैसे अगर ये ढक्कन है आपको दिखाई दे रहा है तो इसके अंदर की कैविटी को क्या कहेंगे, ल्यूमन। ओके तो इसमें ये अंदर वाला पोर्शन जो होता है जिसकी जो साइट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनर वाला पार्ट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनल। ओके तो कहने का मीनिंग ये है कि सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, कौन कौन से दो पार्ट बेटा, एक ल्यूमिनल पार्ट और एक ल्यूमन के बाहर वाला ये सारा पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट जो होएगा उसमें क्या हो गया बेटा, वो हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो हमें दो तरह के अपीयर होते हैं, टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं बेटा जिनके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स बने हुए इस तरह, तो जब इनके ऊपर स्मॉल डॉट्स प्रेजेंट होते हैं तो दीज डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है बेटा, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्या है, आर यू एबल टू सी दिस डॉट लाइक स्ट्रक्चर बेटा, ये ऐसे डॉटेड मैंने स्ट्रक्चर बनाया, अगर आपको उसमें नहीं दिखाई दे रहे तो मैं इसको थोड़ा, ठीक है, तो ये डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये डॉटेड स्ट्रक्चर क्या है बेटा, दीज आर एक्चुअली राइबोसोम्स। यू डोंट हैव टू राइट डाउन इनसाइड द सेल, आपको सेल में राइबोसोम नहीं लिखना, आपको बाहर लिखना, मेरे को जगह नहीं था, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर। तो ये राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो द रेटिकुलम ऑन विच राइबोसोम्स आर प्रेजेंट आर कॉल्ड एज, इस वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं लिखूंगी आर ई आर, आर ई आर का फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बाकी जिसके ऊपर कोई डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं है यानी राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है उसके लिए मैं वर्ड लिखूंगी बेटा एस ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके नाउ वी कम ऑन टू द फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन, तो सिंपली बेटा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दे हैव द राइबोसोम, एंड इन द नाइन्थ स्टैंडर्ड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री, यानी
राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे और वही राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट है, तो नेचुरली दिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, वो भी प्रोटीन सिंथेसिस कर। तो फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या, सॉरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या हुआ, दे सिंथेसाइज प्रोटीन। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है बेटा, दैट इज ऑल्सो, यानी दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहे रफ है या स्मूथ है, उनका मेन काम है सिंथेसिस। तो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है That synthesize lipid. वो क्या synthesize करती है बेटा? Lipid synthesize करती है। अब आप कहोगे कि मैम ये lipid कहाँ से synthesize करती है? बेटा हम जो खाना खाते हैं उसमें से फैटी एसिड, मतलब फैट अगर आपने घी या तेल खाया तो वो डाइजेस्ट होगा, दैट विल कन्वर्टेड इनटू द फैटी एसिड। वो फैटी एसिड ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, फ्रॉम द ब्लड इट रीचेस टू द सेल, और अब वो सेल में जाके उसका वापस से रीऑर्गेनाइजेशन होगा, और जब रीऑर्गेनाइजेशन होगा तो दोज फैटी एसिड कंबाइन विद द ग्लिसरॉल टू फॉर्म लिपिड्स। तो उस लिपिड का जो फंक्शन, सॉरी लिपिड का जो फॉर्मेशन करेगी वो कौन करेगा बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये तो हो गया फंक्शन, हमने लोकेशन देख ली, टाइप देख लिए, फंक्शन देख ली। लिपिड का सिंथेसिस करती है, इसलिए जो स्टीरॉयडल हार्मोन होते हैं, कैसे हार्मोन्स बेटा, स्टीरॉयडल हार्मोन्स, स्टीरॉयडल हार्मोन्स जब हम हार्मोन का चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, तब हम पढ़ेंगे कि द हार्मोन्स आर ऑफ वेरियस टाइप। हार्मोन्स कैन बी मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स आल्सो, कैन बी मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड आल्सो, can be made up of protein also, and they are made up of fatty acids, यानी lipids के भी बने होते हैं। तो जब वो lipids के बने होते हैं या steroids के बने होते हैं, तो उन hormones को कहा जाता है steroidal hormone। तो ये hormone कौन synthesize करता है बेटा, smooth endoplasmic reticulum। ये तो अपन ने अभी तक तीन function किए, protein synthesis, lipid synthesis, and the synthesis of steroid hormone। अब फोर्थ और इम्पोर्टेंट फंक्शन, दो इट इज नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी बट यूजुअली नीट में आता है, और उसके लिए वर्ड यूज होता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस नाम से क्या पता चल रहा है हम, कि कोई मेम्ब्रेन है, बायो मीन्स लिविंग बींग की, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन इन द लिविंग बींग, इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि लिविंग सेल इज कंसीडर्ड टू बी द लिविंग थिंग। तो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसके बनाने के लिए, यानी सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नेसेसरी। क्यों नेसेसरी, अपन ने पिछला जो टॉपिक पढ़ा है वो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पढ़ा है बेटा, और आपने उसमें ये स्टडी किया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ मेन टू कंपोनेंट। दो कंपोनेंट मेन है बेटा, वन इज द प्रोटीन एंड सेकंड इज द लिपिड। अब प्रोटीन भी ये बना रहे हैं और लिपिड भी ये बना रहे हैं, तो जब बोथ प्रोटीन एंड लिपिड आर फॉर्म्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो नेचुरली क्या से बनेगी बेटा, सेल मेम्ब्रेन बन सकती है। दैट्स व्हाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ओके, क्लियर है बेटा। तो ये हो गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन और